सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आप पेटीएम फॉर बिजनेस का अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हो, कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको सबसे पहले पेटीएम का जो बिजनेस का एप्लीकेशन है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गोल आइकॉन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो आपकी प्रोफाइल दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डीएक्टिवेट माय अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉग आउट के ऊपर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ लोड लेगा, उसे आपको लोड होने देना है। उसके बाद आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपके अकाउंट की सारी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड इस पर क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। देन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हो। शॉप बिजनेस, हमारा जो बिजनेस था वो क्लोज हो चुका है, इसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और डीएक्टिवेट इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो अकाउंट है यहाँ पर सक्सेसफुली डीएक्टिवेट यानी कि डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो सक्सेसफुली आपका अकाउंट यहाँ पर डीएक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो 2 दिन में आपका अकाउंट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर ये पेज हटा देना है। तो इस तरीके से आप अपना पेटीएम फॉर बिजनेस का अकाउंट ऐसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। तो वीडियो में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हो उसको भी क्लिक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो।